music. सभी अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर जिस तरह का स्टेटस देखा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है कि मैं आपको कुछ इसी प्रकार का जो न्यू स्टेटस क्रिएट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के स्टेटस बनाने के लिए फ्रेंड्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने मोबाइल में जो काइनमास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स। आप काइनमास्टर से फ्रेंड्स कुछ इसी तरह का जो न्यू कमाल का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के स्टेटस बनाने के लिए फ्रेंड्स को मोबाइल में जो काइनमास्टर डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद में कलेक्ट न्यू पे क्लिक करना, नया रिसोर्स टीम सेलेक्ट करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक हो जाने के बाद में सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना, फिल स्क्रीन सेलेक्ट करना, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ फॉल्ड करके रख देना कुछ इस तरह से 1 सेकंड में 1 पॉइंट कम, तो को 9 पॉइंट पे रख देना, 0.9 पे रख देने के बाद में कट लगा देना। कट लगा देने के बाद में गैलरी कुछ इस प्रकार ओपन होकर दिखेगा। देखने के बाद में गैलरी से यहाँ से जो को कुछ इस तरह से 21 फोटो सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, मॉडल्स फोटो। तो चलो मैं अपना गैलरी से 21 मॉडल्स फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और एक बात बताते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। 21 फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से कट लगा देना। कट लगा देने के बाद फर्स्ट तरफ आ जाना, लेयर पर क्लिक करना, फ्रेंड्स मीडिया पर जाना, जो सॉन्ग है वीडियो में, तो वीडियो को मैं यहाँ से जो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद में उसको अगर नीचे जाना, ट्रैटिक ऑडियो करके साउंड बाहर निकाल लेना, वीडियो यहाँ से डिलीट कर देना। इतना हो जाने के बाद में थोड़ा इस तरह से जूम कर लेना। इतना जूम हो जाने के बाद में फोटो एडजस्ट करना है। तो यहाँ जो अब देखना फोटो परफेक्ट बीट के साथ एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ, जहाँ पर नहीं होगा उसका ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा को कम कर लेना है। इस तरह से यहाँ तक कुछ इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक कम हो जाने के बाद में मतलब 5 सेकंड तक, उसके बाद जो फोटो क्लिक करना इसका ड्यूरेशन मतलब को रख देना है 6 पॉइंट के आसपास। उसके बाद जो फोटो इसका ड्यूरेशन कुछ इस तरह से रख देना 7 के आसपास। तो इसी तरह फ्रेंड्स को फोटो के जो वीडियो के लास्ट तक है कुछ सेकंड तक को जो 16-15 सेकंड तक इस तरह से फोटो को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट हो जाने के बाद उनको जो इसको इफेक्ट कैसे ऐड करना, उसके बाद का जो मॉडल्स फोटो को कैसे आपको जो है मतलब ऐड करना, तो उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलो मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ तक एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। आप भी सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना कि बीट कहाँ पर आ रहा है, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स। मैं जिस तरह एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आप कुछ इस तरह से वीडियो को लास्ट तक एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इतना एडजस्ट हो जाने के बाद फिर कोई क्या करना, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आ जाना फ्रेंड। फर्स्ट तरफ आ जाने के बाद क्या करना, फर्स्ट जो फोटो उस पर क्लिक करना, क्लिक ब्राक्सी में जाना है, स्क्रॉल के नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद फिर जाना है यहाँ पे इन एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद फिर जो 33 ला इफेक्ट है इसको ऐड कर देना है। तो जो 33 ला इफेक्ट है फ्रेंड्स कितना मॉडल्स फोटो में ऐड करना लगातार, चलो मैं दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मॉडल्स फोटो में फ्रेंड्स आपको फर्स्ट से 7 जो मॉडल्स फोटो 7 में इन एनिमेशन वाला इफेक्ट ऐड करना फ्रेंड्स। कोई अदर इफेक्ट नहीं ऐड करना, अदर इफेक्ट ऐड करोगे तो स्टेटस का जो बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट नहीं होगा। इतना हो जाने के बाद में उसके बाद जो 8 नंबर पर फोटो उस पर क्लिक करना, आपको क्लिप ग्राफ्सी में जाना, स्क्रोल के नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में जाना कॉल में डीजे में जो 2 नंबर इफेक्ट ऐड करना डन करना। उसके बाद जो फोटो इस पर क्लिक करना, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और इसमें आपको जो है इन एनिमेशन का जो 33 ला इफेक्ट ऐड करना है, क्योंकि बीट थोड़ा लो है। उसके बाद जो फोटो है उस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना है, और इसे जाना कॉल में डीजे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना, जो 2 नंबर इफेक्ट ऐड करना है, क्योंकि बीट थोड़ा हाई है। तब वो सॉन्ग जब प्ले करके सुनोगे फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा इफेक्ट जो ऐड करना पड़ेगा। तब कुछ इसी प्रकार फ्रेंड्स ऐड कर लेना। यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद इसको थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूँ। और यहाँ जो फ्रेंड्स के बाद जो फोटो इसमें थोड़ा फ्लिकर वाला साउंड है, जो यहाँ 2 फोटो है, 1 और 2, ये दोनों फोटो को 3-3 भागों को डिवाइड कर लेना। तो चलो मैं दोनों फोटो को 3-3 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक भाग हो चुका फ्रेंड्स और ये रहा मेरा दूसरा, तो इसको स्प्लिट टू प्लेट करके डिवाइड कर लेना फ्रेंड्स। फोटो को भी मैं डिवाइड कर लूँ। इसमें जो फ्रेंड्स को फ्लिकर वाला इफेक्ट ऐड करना, तो फ्लिकर वाला इफेक्ट कैसे ऐड करना है चलो मैं इस वीडियो में को दिखा दूंगा। तो इतना हो जाने के बाद फिर डन करना, इसको थोड़ा जूम कर लेना। फ्लिकर वाला इफेक्ट ऐड करना तो कैसे ऐड करना चलो मैं दिखा दूँगा। उसके बाद जो फोटो क्लिक करना है, क्लिक ग्राफ्सी में जाना है,
जो फोटो को तीन भागों में डिवाइड किए थे, और क्लिप राशि में जाने के बाद उसको के नीचे जाना, जाना ओल्ड फिंक ऑप्शन देख क्लिक करना, टू नंबर सॉरी एक नंबर इफेक्ट ऐड करना, डन करना, फिर दूसरा फोटो पे क्लिक करना उसी का कट पे, और इसमें जो ओल्ड फिंक का जो आपको एक नंबर इफेक्ट ऐड करना, दो फोटो में ओल्ड फिंक का एक नंबर इफेक्ट ऐड करना फ्रेंड्स, एक फोटो छोड़ देना, उसके बाद फिर दूसरा फोटो पर क्लिक करना, और इसमें भी दो फोटो में जो जो डिवाइड किए थे दोनों में आपको ओल्ड फिंग का फर्स्ट नंबर इफेक्ट ऐड करना। तो ओल्ड फिंग को कैसे शेयर करना फ्रेंड्स काइन मास्टर पर, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो के स्टेटस में बताया हूँ, तो स्टेटस का लिंक वो वीडियो के ऊपर में मिल जाएगा, और साथ में को आई बटन पर भी दिखेगा फ्रेंड्स, आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इतना ऐड हो जाने के बाद फिर डन करो, उसके बाद जो फोटो इस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना जिसका डोरेशन ज़्यादा है, और यहाँ से वो जाना इन एनिमेशन है, इन एनिमेशन जाने के बाद में फर्स्ट नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना, डन करना। डन हो जाने के बाद में को यहाँ तक आ जाना कुछ इस तरह से, तो इसमें बीट थोड़ा तगड़ा फ्रेंड्स इसी प्रकार से होगा, तो इसमें क्लिपग्राफ्सी में जाना है, और इसमें को कॉल में डीजे का जो टू नंबर इफेक्ट ऐड करना, डन करना। उसके बाद जो फोटो इस पर क्लिक करना है, क्लिपग्राफ्सी में जाना, स्क्रॉल कर नीचे जाना है, और यहाँ से जाना इन एनिमेशन में, इन एनिमेशन में जाने के बाद में जो 33 वाला इफेक्ट ऐड करना, डन करना। तो इसी तरह से फ्रेंड्स को इसमें कॉल में डीजे का ऐड होगा, इसमें 33 ऐड करना। उसके बाद जो फोटो फ्रेंड्स को जो 13 सेकंड तक आ जाने के बाद, आपको 13.5 सेकंड 8 पॉइंट पर आने के बाद यहाँ भी फ्लिकर वाला इफेक्ट है, तो इसी फोटो को भी वही सेम प्रोसेस है, इसको भी आपको तीन भाग में डिवाइड कर लेना फ्रेंड्स, और दो भाग में जो ओल्ड फिंग का जो फर्स्ट नंबर इफेक्ट ऐड कर देना, और एक भाग को उसी तरह को रहने देना। तो इसी तरह से फ्रेंड्स को यहाँ तक एडजस्ट कर लेना, यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो ओल्ड फिंग का इफेक्ट ऐड कर लेना, मैंने जिस तरह ऐड करके देखा, ऐड हो जाने के बाद में उसके बाद जो फोटो इस पर क्लिक करना है, क्लिक ग्राफ्सी में जाना, क्लिक ग्राफ्सी में जाने के बाद में उसको के नीचे जाना, नीचे जाने के बाद में जाना स्वीट लाइज पे, स्वीट लाइज पे जाने के बाद फर्स्ट 5 नंबर इफेक्ट को ऐड करना, डन करना। यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद उसके बाद फोटो कैसे एडजस्ट करना चलो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद सेटिंग में जाना, एडिटिंग में जाना है, एडिटिंग में जाने के बाद में एडिशन को इस तरह फॉल्ड करके दो पॉइंट पर रख देना, दो पॉइंट पर रख देने के बाद फिर यहाँ से कट लगा देना, कट लगा देने के बाद में दो या तीन पॉइंट पर रख लेना, कट लगा देना। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करने के बाद में गैलरी कुछ इस प्रकार ओपन है कि दिखेगा, दिखने के बाद में क्या करना है, उसके बाद अपने गैलरी से फोटो सेलेक्ट करते जाना फ्रेंड्स सॉन्ग के लास्ट तक, तो आपके पास जितना फोटो फ्रेंड्स सब सेलेक्ट कर लेना, सॉन्ग के लास्ट तक जो फोटो को सेलेक्ट करना, कुछ फोटो कम पड़ जाए फ्रेंड्स मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारे फोटो को अपडेट करके रखा हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह जो फोटो को सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर सॉन्ग के लास्ट तक इसमें कोई इफेक्ट कैसे ऐड करना वही सोच रहे हैं, तो चलो मैं दिखा दूँ इफेक्ट कैसे ऐड करना और कैसे वो बीट के साथ परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से जो फोटो बीट सॉन्ग के लास्ट तक ऐड कर लेता फ्रेंड्स, यहाँ तक ऐड हो जाने के बाद में कट लगा देना, फर्स्ट तरफ आ जाना कुछ इस तरह से, जहाँ तक जो इफेक्ट और फोटो जो एडजस्ट किए हो तो यहाँ तक वो आ जाना कुछ इस तरह से। यहाँ क्या करना है चलो मैं दिखा दूँ, फर्स्ट फोटो इस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, क्लिप ग्राफ्सी में जाने के बाद में उसको के नीचे जाना, नीचे जाने के बाद में कॉल में डीजे में, कॉल में डीजे में जाने के बाद में जो 6 नंबर इफेक्ट है फर्स्ट फोटो में ऐड करना, डन करना। उसके बाद जो दो मॉडल्स फोटो इस पर क्लिक करना है, सॉरी एक फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफ्सी में जाना, स्क्रॉल के नीचे जाना, नीचे जाने के बाद में जाएगा बीम स्वाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और जो थर्ड नंबर इफेक्ट ऐड करना, तो यहाँ से फ्रेंड्स को दो मॉडल्स फोटो में बीम स्वाइप का जो थर्ड नंबर इफेक्ट ऐड करना है, और एक मॉडल्स फोटो में वो कॉल में डीजे का जो 6 नंबर इफेक्ट ऐड करना। तो इसी तरह फिर सॉन्ग जो जहाँ तक फोटो सेलेक्ट की हो फोटो के लास्ट तक जो आपको इसी तरह से वीडियो में ऐड कर लेना है, तो वो फर्स्ट में कॉल में डीजे का जो फर्स्ट नंबर ऐड करना है, उसके बाद दो मॉडल्स फोटो में जस्ट आपको भीम सवाय का जो 3 नंबर इफेक्ट ऐड करना, तो इसी तरह से वीडियो के लास्ट तक ऐड कर लेना कुछ इस तरह से। लास्ट तक ऐड हो जाने के बाद फ्रेंड्स को क्या करना है, इसको थोड़ा नॉर्मल साइज में ले आना, अगर मैं पूरा ऐड करके तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, ले आने के फर्स्ट तरफ आ जाना फ्रेंड्स, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना फ्रेंड्स, मीडिया पे जाने के बाद फ्रेंड्स बॉर्डर पेंज ऐड कर लेना है। अगर आपको बॉर्डर पेंज ऐड नहीं करना है तो चलो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से बॉर्डर पेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट हो जाने के बॉक्स पे क्लिक करना, व्हाइट कलर के बॉक्स पे क्लिक करना, डन करना, बॉर्डर पेंज पे क्लिक करना, इसका जो ड्यूरेशन है कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके वीडियो के लास्ट तक ले आना, जहाँ तक आपका स्टेटस है इस तरह से वो खींच के ले आने के बाद फ्रेंड्स आपका जो स्टेटस है वो कमाल का बन के दिखेगा फ्रेंड्स। अगर इसमें अगर आप इसमें चाहते हैं टेम्पलेट ऐड करना टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं कोई बात नहीं। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स को यहाँ से जो वीडियो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक।